ये देखो यार, कुछ इस तरह से हमारा जो मोबाइल है ना, यहाँ से क्रैक हो चुका है। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू ब्लॉग के साथ आपका भाई आपके सामने हाजिर है। तो ये कौवा पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, उदास होके बैठा हुआ। मेरे ख्याल से उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो देख सकते हो उड़ भी नहीं रहा। अबे लौड़े अपना काम कर। ख्याल से पता नहीं इसके पर वगैरह खराब है, कौवे का ये बच्चा है। कौवा जो है ना वहाँ से उड़ चुका है। तो अभी मैंने हाथ धो के ऊपर आया था फ्रेश होके, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए। हमारा जो है ना मोबाइल, यार इसकी जो स्क्रीन है, मेरे ख्याल से पता नहीं मोबाइल टूट गया या क्या सीन है। तो पता क्या हुआ था, कबीर भाई के साथ हम लाहौर वगैरह गए हुए थे। पिछले व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे। बीर भाई ने ना अपनी जेब के अंदर, मतलब अपनी पॉकेट के अंदर मेरा मोबाइल डाला था। साथ में एक चाबी वगैरह रखी हुई थी, जिसकी वजह से ना हमारा जो मोबाइल की एलसीडी है ना, पता नहीं टूट गई है या क्या सीन है। खत्म, बाय बाय टाटा। अभी जाके चेक करवाएंगे इसका ग्लास वगैरह, पता नहीं टूटा है या नीचे से भी टूट गया, पता नहीं क्या, बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। अभी चेक करेंगे, जाके देखते हैं क्या सीन बनता है, हमारा मोबाइल बचा है या नहीं बचा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। चुप कर बे कुत्ते। और अभी थोड़ी देर में बाजार जाएंगे और इसका ग्लास वगैरह चेंज करवा लेंगे। अभी दूसरे मोबाइल से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा मोबाइल लग रहा है। दूसरे मोबाइल से शूटिंग वगैरह कर रहा हूँ वीडियो की। अभी ये देखो, मैं अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो यार, कुछ इस तरह से हमारा जो मोबाइल है ना, यहाँ से क्रैक हो चुका है। और यहाँ देखो, यहाँ से कुछ ज्यादा ही मुझे डर सा लग रहा है कि ये ना हो कि हमारा मोबाइल पूरा हो गया हो, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी बाजार जाके देखते हैं कि बचा या नहीं। मैं उस्मान भाई के पास आया था। उस्मान भाई हमारे ये रे, कैसे उस्मान भाई, ठीक हो? तो यार उस्मान भाई, शुक्र अल्लाह का। ये देखो यार, मेरा मोबाइल जो है ना टूट गया यहाँ से। ये कैसे हुआ? ये नीचे गिर गया, वो सच कबीर भाई की पॉकेट में था और साथ में चाबी वगैरह उसने रखी हुई थी, जिसकी वजह से ना ये टूट गया। तो अब भाई ये बताओ, ये ग्लास ही टूटा है या मोबाइल भी टूट गया? ग्लास ही टूटा है ना। खुशखबरी मिल गई है, अभी इसे जाके चेंज करवाते हैं। अभी मैंने सोचा ग्लास चेंज करवाने से पहले ना हम जो है ना अपना जो कुछ खा पी लेते हैं। चॉकलेट है यार? चॉकलेट नहीं, आइसक्रीम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और सादा आइसक्रीम ले आओ, दो दो बोतलें। हाँ जी, दो बोतलें। तो अभी जो आइसक्रीम सोडा वाटर वाले हैं ये, ठीक है, इनका जो सोडा है ना बड़ा ही लेवल का होता है, अभी आएगा पी के चेक करते हैं। जो है ना हमारा ऑर्डर लेके आ चुके हैं, ठीक है, शुक्रिया। Cheers! तो अभी ना पी के चेक करते हैं किस तरह का है। वाकई मजेदार। तो अभी जो है ना हमारे मोबाइल से ग्लास उतारा जा रहा है। तो देखो यार, मोबाइल हमारा बच गया है। जो ग्लास है ना वो डैमेज था, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया था। अभी जो है ना अपने मोबाइल पे नए वाला जो ओजी ग्लास है ना वो लगवा लेते हैं। तो ये एक फैन मिला है मेरा, वीडियोस देखते हो मेरी? नहीं। तो ये वीडियोस वगैरह देखता है यूट्यूब पे, किंग क्रेडिव ऑफिशियल चैनल पे। ओके यार उस्मान भाई, ठीक है। अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, मोबाइल हमारा बच गया। इतनी ज्यादा यार खुशी है, आप कितनी खुशी सोच भी नहीं सकते। अभी यार बहुत ज्यादा भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़े हैं। तो अभी खाना वगैरह कढ़ाई बनी हुई है घर पे, वो खाते हैं। अभी कढ़ाई बनी है यार, मसालेदार वीआईपी लग रही है। रोटी की एक छोटी सी बुर्की लेते हैं, ठीक है, नवाला जिसे कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अभी जो है ना ये देख सकते हो, हम इतना सा नवाला एक खा के चेक करते हैं। मजेदार। 2000 years later. कल फिर ना मैं कम से कम डेढ़ दो घंटे बाद खाना खाने के बाद सो गया था। उसके बाद अभी जो है ना उठा था थोड़ी देर पहले। आज जुमा है, सब भाइयों को जुमा मुबारक। अभी जो है ना कनक शनक जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है शापर में है। ताऊ की काल आई थी, वो कह रहे थे कबूतरों के लिए दाना दुना डालना है, उन्होंने कनक चाहिए थी उन्हें। अभी उनके घर दे के आते हैं, ठीक है, और आप लोगों को कबूतर भी दिखाते हैं। तो अभी ना मैं छत पे आ चुका हूँ, तो आप लोगों को ढेर सारे कबूतर दिखाता हूँ। देख सकते हो इस पिंजरे में भी काफी ज्यादा कबूतर हैं, पिंजरे शिंजरे बने हुए हैं, काफी पुराने हैं, ठीक है, ये बहुत पुराने पिंजरे हैं, मेरे पैदा होने से पहले की ये मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट कर लिए थे, पहले दूसरे घर में होते थे। तो अभी इधर भी आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा तादाद में कबूतर हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। कुछ ने अंडे वगैरह भी दिए हुए हैं, वो देख सकते हो, शायद आप लोग को अच्छे तरीके से नजर आ रहे हो। ये जाली की वजह से ना फोकस नहीं हो पा रहा, तो बाकी
एक जो खुड्डा है ना इधर भी बना हुआ है कबूतरों का, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं, तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हो इधर एक अंडा शंडा पड़ा हुआ है, शायद आप लोगों को हल्का सा नज़र आ रहा हो, इधर से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, वो देखो पड़ा हुआ है। आप लोगों ने कबूतर शबूतर तो देख लिया, उम्मीद है कि आज का जो व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बिल्कुल फ्री है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके फिर।